श्री राम। पहुंच गया होगा कहाँ? फैजाबाद में पहुंच गया होगा। फैजाबाद एक्चुअली ना अवैसी मुसलमानों का सगा नहीं है। हाँ। वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ। कौन सा मस्जिद था? ये बाबा डाबर की औलादों को एक बात बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हाँ। महाराज सुनो सुनो सुनो। हाँ। वो क्या कोई देवता था? हाँ। कोई भगवान था? हाँ। वो बाबर क्या था? लुटेरा था। मैं बोल रहा हूँ जो उसके नौजवान आए दिन देश में दंगा भड़का देते हैं, जो आए दिन उसके बोलने पर देश में देश जला देते हैं, और हमारे लोग तैयार रहे। और कौन सी तैयारी करवाना चाहते हो? क्या हाथ में बंदूक करते हो पर मिसाइल लेके अपने लोगों को खड़ा रखोगे कि यहाँ से लोग गुजरेंगे फूल फेंक गोली चला देना? क्या अब ऐसी पूरे भारत के मुसलमानों का ठेकेदार है वो अपने? अरे बंद करो, इस पूरे दुनिया में ना सबसे ज्यादा मस्जिद इस भारत में है। और एक और चीज, आप इधर आओ। एक बात बताओ, बार बार ब्राह्मणों को और पुजारियों को क्यों टारगेट करना है भाई? सब सनातनी हिंदू लोग, एक बात बताओ, हर बात में टारगेट लेना है? अरे किसको आप आदर्श मानते हो? हम राम को आदर्श माने, कृष्ण को आदर्श माने, कि औरंगजेब को आदर्श माने जो अपने भाइयों को अपने बाप को कॉल कोठरी में बंद कर दिया, एक छेद से ताजमहल देखने दिया, उन लोगों को आदर्श माने? शाहजहां को प्यार का एग्जांपल मानते हैं लोग, जिसने उसकी मरने के बाद उसकी छोटी बहन से शादी कर लिया। तो विडंबना है कि इतने बड़े राष्ट्र में मेजोरिटी कम्युनिटी होते हुए भी माइनॉरिटी की तरह भीख मांगते हैं अपने चीज, अपने जमीन, अपने अस्तित्व के लिए। अब एक बात बताओ, जिस दिन ये हमारे बराबर हो जाएंगे क्या आपको रहने देंगे? तेरे बाप दादाओं का नहीं है, हमारे बाप दादाओं का है। तेरे बाप दादाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया है, जो धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हो गया। दो को अपने इस्लामिक राष्ट्र बना दिया और एक को क्या बना दिया? सेकुलरिज्म का ठेका बना दिया, धर्मशाला बना दिया। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उसको लेकर के लगातार अब कहीं ना कहीं जो ओवैसी है विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार विवादित बयान दे दिया, सीधे तौर पर कहा है कि नौजवानों सजग हो जाओ, हमारी और भी मस्जिदों पर हमला किया जाएगा। कई तमाम तरह के बयानबाजी आने के बाद लगातार उनको जवाब भी दिया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर साहब है, कट्टर सनातनी है, क्या कहेंगे ओवैसी साहब को? सबसे पहले कह रहे हैं अपने नौजवानों को तैयार होने की लिए कह रहे हैं, कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है क्या उनकी तरफ से? एक्चुअली ना ओवैसी मुसलमानों का सगा नहीं है। हाँ। वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ। मैं बताऊं, आप कौन सी तैयारी की बात कर रहे हो? आप तैयारी बोल बोल के ना और दंगा भड़काने का काम कर रहे हो। मैं तो बोलूं केंद्र सरकार को सबसे पहले इस पे एक्शन लेना चाहिए कि जो आदमी जो चीज़ हुआ नहीं उसके बारे में पहले ही प्रिडिक्शन कर रहा है कि दंगा होने वाला है, इसका मतलब तू दंगा करवाने वाला है, तू अपने आदमी भेजने वाला है कि जाओ और वहाँ पर दंगा करो। अरे चित नहीं करेगा मस्जिद को? कौन सा मस्जिद था? यह बाबा डाबर की औलादों को एक बात बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वहाँ पर 1525 में इसने मीर बाकी को बोला, बाबर ने, बाबर नहीं, बाबर नाम का लुटेरा इस देश को लूटने ही आया था ना, इब्राहिम लोदी को हरा कर टिका क्यों इस देश में? क्या आइडियल को ऐसे बोलिएगा? अरे सुनो ना, आइडियल मानो प्रबल है तभी तो उसके मस्जिद को अभी भी याद किया गया। अरे महाराज सुनो सुनो सुनो। हाँ। वो क्या कोई देवता था? हाँ। कोई भगवान था? वो बाबर क्या था? लुटेरा था। मैं बोल रहा हूँ करवाओ केस, कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। आपने हमारे राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया, आपने वहाँ पे बाबरी ढांचा बनाया, हमने ढांचा को हमारे लोगों ने ढा दिया। भैया इसको कुछ नया नहीं किए, तुमने गलत किया, हमने उसको सही किया, तो यहाँ सही किया जा रहा है ना, कुछ बदला जा रहा है। और बात रही मंदिर की, तो राम लला के लिए और राम का जन्म स्थान एक ही है। अयोध्या में 55-56 मस्जिद और भी हैं, 60 मस्जिद, वहाँ जाकर आप इबादत कर सकते हो, लेकिन राम का जन्म स्थान तो एक ही है ना, तो वहीं पे अयोध्या में बनेगा जहाँ राम जी का जन्म हुआ है, उसके लिए कहीं और क्यों जाएंगे? तुम कहीं और जाओ, तुमको जमीन दिया गया है ना 5 एकड़ में, बनवाओ वहाँ। तो अपना सुरक्षित कर रहा है वो, तो आप लोग को तिलबिलाहट का है हो रहा है? अपना सुरक्षित, हमको तिलबिलाहट? हमको कुछ तिलबिलाहट नहीं हो रही है, वो तिलबिला रहा है। तो अपने नौजवान को तैयार कर रहा है? तो नौजवान को पहले ही तैयार कर रहा है, जो उसके नौजवान आए दिन देश में दंगा भड़का देते हैं, जो आए दिन उसके बोलने पर देश में देश जला देते हैं, आप उससे उम्मीद करते हो? वो और उस चीज को बढ़ावा देने का काम कर रहा है कि भैया देखो ये जा रहे हैं सारे राम भक्त, देखना कुछ करेंगे, लड़ जाना, फिर इन पे ब्लेम कर देंगे कि भैया ये भीड़ ने इन पे हमला किया तो भीड़ को हमला करने में लड़े। तो उसकी साजिश है कि किस तरह से हिंदू और सनातनियों को डिफेम करने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए ये बोल रहा है कि हमारे लोग तैयार हैं। और कौन सी तैयारी करवाना चाहते हो? क्या हाथ में बंदूक करते हो पर मिसाइल लेके अपने लोगों को खड़ा रखोगे कि यहाँ से लोग गुजरेंगे फूल फेंकेंगे तो देना, ये सिखाना चाहते हो? अरे अवैसी अपना काम करो हैदराबाद और जहाँ पे कर रहे हो। हाँ,
आपसे एक सवाल था कि ये जो अवैसी है ये किस आधार पे जीत रहा है? अलग अलग स्टेटों में मानते हैं भाजपा की बात की जाती है या मान लो कांग्रेस पार्टी की या कोई भी अन्य पार्टियों की कि चलो इसने रोड बनवा दिया, अस्पताल बना दिया, कुछ और काम करवा रहा है। तू क्या काम कर रहा है भाई? लोग तो यूं ही बदनाम कर रखे हैं बीजेपी को, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, असली तो धर्म के ये सलासी पेकार ये लोग हैं, ये कर रहे हैं ना। अब ऐसी अगर बिहार में चार सीट जीत रहा है तो किस बेसिस पे जीत रहा है? क्या उन डिस्ट्रिक्टों में हॉस्पिटल बनाया है? जनता चाहती होगी तभी जीत। पूरा बात सुनो पत्रकार महोदय, पूरा बात सुनने का क्षमता रखो। क्या अगर अगर वो, अरे महाराज मेरे को तो हंसी आता है कि लोग वोट क्यों दे रहे हैं उसको। अगर वो बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में अगर एक भी सीट जीत रहा है तो मैं पूछता हूँ उसका डाटा का रिव्यू दीजिए कि वो किस काम के बेसिस पे वो जीत रहा है। क्या उसने वो रोड बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए? क्या आप धर्म पे नहीं कमा रहे हो कि एक तरफा धर्म की राजनीति और ठेकेदार बने हो? क्या अब ऐसी पूरे भारत के मुसलमानों का ठेकेदार है? वो अपने अपने लोगों को, अपने लोगों को जगा रहा है ना कि और ही मस्जिदों को किया जाएगा। अच्छा जी, और हम जगाने लगे कि हमारे 40,000 मंदिरों को तोड़ दिया गया इतिहास में 1206 से लेकर और अभी तक, चाहे सोमनाथ से लेकर अभी तक, और लूट लूट के यहाँ का धन ले गए और मन नहीं भरा तो यहाँ बसना भी स्टार्ट कर दिए, तो हम क्या, हमारे लोग क्या करेंगे? हमारे लोग तो सब तो पूरा भारत धरने पे बैठ जाए। तुमसे एक तीन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सोचो जो तुम्हारी सत्ता और तुम्हारा पावर था, तुमने लोगों के गले पे, गर्दन पे तलवार रख रख के तुमने मंदिरों को तोड़ दिया और आज उन मंदिरों का नवनिर्माण हो रहा है तो तुमको चुल मच रही है। अरे बंद करो, इस पूरे दुनिया में ना सबसे ज्यादा मस्जिद इस भारत में है। और एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लोग बोलते हैं ना मंदिर से क्या फायदा है, क्या फायदा है, सुनो, पूरी दुनिया, पूरे इंडिया का जीडीपी में 2.87% का कंट्रीब्यूशन मंदिर देता है। हमारे भारत में 3,00,000 करोड़ से भी ज्यादा कमाई होती है इन मंदिर और धार्मिक स्थल। इसको रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, ये फूल वाले, टीका वाले, ये तंबू कार का होटल वाले, रिक्शा वाले, टेम्पू वाले, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ये मजदूर, हर कोई तो कमा रहा है। अब क्या मोदी जी, क्या तुमको घर में आकर 20-20, 15-15 लाख रुपया देने लगे क्या? ये कमाई नहीं है। सभी ब्राह्मणों को सिर्फ होगा ऐसा कर रहे लोग। ये पता है, ये ब्राह्मण ब्राह्मण ना, ब्राह्मण को तुम लोगों ने बदनाम कर, एक बात बताओ, रोजगार का, नौकरी का क्या मतलब हुआ? जिस देश में 80,000 लोग रोज पैदा हो जाते हैं उस देश में क्या 50,000, क्या 50,000 वो हो जाएंगे, 50,000 नौकरी रोज? इधर आओ, एक बात बताओ, बार बार ब्राह्मणों को और पुजारियों को क्यों टारगेट करना है भाई? सब सनातनी हिंदू लोग, एक बात बताओ, हर बात में टारगेट लेना है। लोग बोलते हैं कि एक चीज बोलते हैं कि भैया ब्राह्मण, एक मिनट, लेट मी स्पीक। हाँ, बोलने का मतलब है कि लोग बोलते हैं कि चलो आप लोग ब्राह्मण लोग को इतना टारगेट करते हो कि मंदिर में जाकर ये जाकर पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा लेते हो। अरे मंदिर में जाने से पहले तो सिक्का ढूंढने लगते हो तुम लोग और अपने आप को हिंदू बोलते हो। दूसरी चीज, ब्राह्मण अगर बनना है और मंदिरों में पूजा पाठ कराना है तो जाओ 4 वेद पढ़ लो, 18 महापुराण पढ़ लो, नीतियाँ पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो और बन जाओ ब्राह्मण। आप पढ़ो ना, आप पढ़ो ना। यहाँ पे बहुत सारा धर्मशाला है। और आज एक बात बताना चाहता हूँ, मैं खाने के लिए निकला था, यहाँ पे बगल में एक होटल था, वहाँ गया तो पता चला कहीं प्रसाद मिल रहा है। यहाँ ऐसी ऐसी धर्मशालाएँ हैं ना, जहाँ पे कार सेवक पूरा, मैं वहाँ गया, वहाँ पे लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, रोटी, सब्जी, दाल, चावल वो प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। तो यहाँ पे ना अयोध्या नगरी ऐसी आप भूखे नहीं मरेंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ दिल्ली से आया एक दिन के लिए घूमने के लिए अयोध्या नगरी, मैं 7 दिन से यहाँ रुका हुआ हूँ। क्यों? ये अयोध्या नगरी ऐसी नगरी है ना, परिवर्तन देखा आपने? क्या परिवर्तन दिखा आपको? परिवर्तन नहीं दिख रहा है आँख से। यहाँ रोड बन गए, सारा चौड़ीकरण हो रहा है। जिनके दुकान चौड़े थे ना, टूट के अगर सिकुड़ भी गए हैं ना, वो लोग क्या बोल रहे हैं पता है? हमारी दुकान भले ही छोटी हो गई लेकिन हमारा इनकम जो है ना बढ़ चुका है। और दूसरी बात, अभी तो अयोध्या में लोगों ने एंट्री ही नहीं मारा है। 22 जनवरी को मोदी जी को जाने तो दो, आए दिन 5 लाख लोग एंट्री मारेंगे। वो जितने दुकान वहाँ खड़े हैं ना, जाकर एक बार कैमरा घुमा के सर्वे ले लो। अगर दिन की पहले उनके 2,000 की कमाई होती थी ना, आज 5-6 हज़ार की कमाई हो रही है। आप अगर सिर्फ भाजपा और मोदी का विरोध कर रहे हो तो भैया आपके हर बात आपके मुबारक हो। मैं किसको वोट देता हूँ मेरा पर्सनल चॉइस है। मेरे राम, मेरी आस्था, मेरी आस्था पे सवाल मत उठाओ। आपको अगर एक बूंद दूध चढ़ा के आप भगवान को संतुष्ट कर लेते हो, आपकी चॉइस है। मैं अपने भगवान पे 10 लीटर दूध चढ़ा के 10 लीटर दूध बांध भी सकता हूँ, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? दिक्कत पता है क्या है, इस जो 2-5 सालों में ना जो डिजिटलाइजेशन हुआ है ना, तो हिंदू लोग अपने इतिहास में चीज़ों को पढ़ने लगे हैं, उन पे जो जो अत्याचार हुआ है उन सब चीज़ों को जानने लगे हैं। अरे किसको आप आदर्श मानते हो? हम राम को आदर्श माने, कृष्ण को आदर्श माने कि औरंगजेब को आदर्श माने, जो अपने भाई
क्या अपने बाप को क्वालकोट्री में बंद कर दिया, एक छेद से ताजमहल देखने दिया? उन लोगों को आदर्श माने जिस बाबर को समरकंद से भगाया उनके भाइयों ने, वो बाबर घूम के वहाँ से आया अपने भाइयों से भाग के। और ये देखो दिल्ली सल्तनत, पहले हिस्ट्री में थोड़ा जाते हैं, 1206 में कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की नींव रखी। चाहे गुलाम वंश आया, चाहे खिलजी वंश आया, सैयद वंश आया, तुगलक वंश आया, लोधी वंश आया, लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हरा कर बाबर ने यहाँ पे ढेरा लगा लिया। बाबर किस लिए आया था यहाँ पे? क्या चिकित्सालय बनाने आया था, यहाँ पे गुरुकुल बनाने आया था? बाबर लुटेरा था, लूटने आया था, उसकी पीढ़ियाँ मिट गई, वो यहाँ घूम रही है। और ये जो हमारे देश में कन्वर्टेड जिन्होंने तलवार के नोक पे सलवार पहन लिया, जो तलवार के नोक पे सलवार पहननी है वो हमें ज्ञान दे रहे हैं हिंदू होने पे। अरे तुम थोड़ा लड़ लिए होते ना तो आज तुम भी गर्व से कहते सनातनी हिंदू हो। और दूसरी बात, हिंदू कौन हुआ? तो जो भी इंडस नदी के किनारे, चाहे जैन हो, सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे सनातनी हो, ये चारों मिलके हिंदू कहलाते हैं। सिर्फ हम ही नहीं है, जैन, बुद्ध और सिख भी हिंदू हैं इस देश में। तो बाबरी मस्जिद को याद रखे हुए हैं, तुम याद रखो बाबरी मस्जिद, हमें भी काशी याद है, हमें भी मथुरा याद है, और हमें भी भदोही का जामा मस्जिद याद है, हमें भी 40,000 मंदिर याद है। जिन जिन को तुम आइडल मानते हो ना, वो अपने बाप दादा को नहीं छोड़े, अपने बहनों को नहीं छोड़ा। शाहजहां को प्यार का एग्जांपल मानते हैं लोग, जिसने उसकी मरने के बाद उसकी छोटी बहन से शादी कर लिया, वो एक अरवा बच्चा डिलीवरी करते करते मर गई। तुम इसको प्यार का निशानी थू है ऐसे हिंदुओं को जो ताजमहल पर जाते हैं? जाना है तो उस राम के राम सेतु पर जाओ जिन्होंने अपनी पत्नी के खोज में दूसरे देश में घुस के रावण को मार के आ गए। आदर्श मानना है तो, अरे आदर्श मानने के लिए, अरे भैया ज़्यादा आदर्श मानना होना तो अपने माँ बाप को मान लो जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके तुम्हें बड़ा कर रहे हैं। और तुम ये जो सेकुलरिज्म का कीड़ा अपने डे पे ढोए हुए हो ना, बंद करो ये सब चीजें। जा रहा है अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारें तो पलट जाएगी, अभी आपकी सरकार है उसके बाद फिर हो जाएगी। अरे सरकारें पलट हो जाएगी तो हम कब्र में नहीं घुसे रहेंगे। उस टाइम भी सरकारें थी, कार्य सेवक आया ना, जिस सरकार ने अपनी सरकार गिरा ली, कल्याण सिंह ने अपना मुख्यमंत्री पद से हट गए, सरकार गिर गई, वो जो करना था कर दिए। आज के डेट में हमारी वास्तविकता पता है क्या है? हमें अपने कल्चर के लिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बी कूल, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, डू ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल शो रेस्पेक्ट फॉर योर सनातन धर्म एंड कल्चर एंड फाइट फॉर दैट थिंग हु ट्राई टू अपोज दैट थिंग। सिंपल बात बता रहा हूँ। देख नहीं रहे, धमकी मिलना शुरू हो गया उद्घाटन से पहले तो सुनोर देंगे, बम से उड़ा देंगे। देख नहीं रहे हो मैं कहाँ पर हूँ ना? एक एक आदमी का पहचान ले लो ना। अकेले क्या कर लेंगे आप? अकेले ये सारे क्या हैं? सुनो, रुको, पांच उंगली ना, आप लोगों को मौका, पांच उंगली बराबर नहीं होती है, कोई कमजोर है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी एक बात बोलते हैं, जो लिख सकता है वो लिखे, जो बोल सकता है बोले, जो लड़ सकता है वो लड़े, और जो कुछ भी नहीं कर सकता तो जो आपके लिए लड़ रहे हैं या कर रहे हैं उनके पीछे खड़े हो जाओ, चाहे वोट के थ्रू या भीड़ में। सुनो, आप दिल्ली में रहो, मुंबई में रहो, दुबई में रहो, लंदन में रहो, फ्रांस में रहो, जो भी ड्रेसिंग सेंस पहनना है पहनो, लेकिन इतना अंधापन मत दिखाओ। तुम्हारे दिन में आंख में पट्टी बांध लेने से अंधेरा नहीं हो जाएगा, तुम साबित करो। अरे भाई तुम कुछ भी पहनो यार, लेकिन तुम्हारे भगवानों को, देवी देवताओं को अगर कोई कुछ बोलता है तो मुँह पे जवाब दो। इसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। लोग एक चीज़ बोलता है, अरे तुम एक ईंट उखाड़ को तो देख लो अयोध्या। पता है अयोध्या का मतलब क्या है? जिसे साधा नहीं जा सकता या जिसमें विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो अपराजित अयोध्या नगरी है, ये कभी नहीं हारी है। वो तो शुक्र मनाओ, उस टाइम के लोग उस तरह से क्या किए ना किए नहीं जानना है, लेकिन राम तो सबके हैं ना। अयोध्या ही एक ऐसी भूमि है जिसमें यहाँ खड़े रहकर आपको अपनापन मिलेगा, परायापन नहीं मिलेगा, सबके राम है। पूरे भारत के लोग यहाँ आए, रहे, खाएं, पिए, जाएं। और बात रही इन बाबर डाबर की थर्ड जनरेशन छपरी कन्वर्टेड औलादों की, तो मैं एक बात बता देना चाहूंगा, जाके तोड़ लो ईंट उखाड़ लो, मैं इतना गारंटी देता हूं ना, वहां पे अगर कोई लूल्हा लंगड़ा भी हुआ ना तो छत से कूद के तुमको अगर राम पे इस बार आ गए तो। और तुम जो ईंट पहले भी तो तोड़ा गया था, अरे वही सरिया तोड़ो ना, वही तुम्हारे अंदर तोड़ के दिखा दो मंदिर इस बार। पहले भी तो तोड़ा गया था, धमकी तो मिला शुरू हो गया। सुनो ना, पहले सरकार पलटेगी फिर जवाब देंगे। उस टाइम तोड़ा गया था, कब?
1525 में, उस टाइम तो हिंदू थे मुगलिया, सुनो उस टाइम मुगलिया राज था जिसकी सरकार थी, अब कोई और सरकार है। शुक्र मनाओ ना, इस देश में बाहुल्य हिंदू होने के बाद भी हम कोर्ट कचहरी के अनुसार ले रहे हैं। एक दिन अगर इनका राज्य रहता ना राष्ट्र, अगर इस्लामिक राष्ट्र रहता तो एक कोर्ट कचहरी नहीं होता, भीड़ आती तोड़ के अपना मस्जिद बना लेते। तो ये तो विडम्बना है कि इतने बड़े राष्ट्र में मेजोरिटी कम्युनिटी होते हुए भी माइनॉरिटी की तरह भीख मांगते हैं अपने चीज, अपने जमीन, अपने अस्तित्व के लिए। अब एक बात बताओ, जिस दिन ये हमारे बराबर हो जाएंगे क्या आपको रहने देंगे? क्या आपको रहने देंगे? जहां मोहल्ला 100 घर हिंदुओं के होते हैं, 100 दुकान हिंदुओं के होते हैं, वहां 2-3-5 मुसलमान आज़ादी से काम कर लेता है। लेकिन जहां 100 मुसलमानों के घर और दुकान हो, वहां 50 हिंदू अच्छे से नहीं। हिंदू एक ही नहीं है आज तक, तो कहां से? हिंदू जातियों में बटा है, राजपूत बड़ा तो त्यागी बड़ा तो ये बड़ा तो वो बड़ा। अरे भैया, कम से कम मुट्ठी में बांधना सीखो ना, खुद को जात पात से ऊपर उठाओ और एक तरफ से सनातनी हिंदू बोलो। तक कलावा लगाने और तिलक लगाने से हिंदू नहीं होता है। हिंदू होने के लिए प्रमाण दो, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, माटी के लिए लड़ोगे तो बचोगे, और लड़ोगे नहीं तो फिर करते रहो डिग्री और पढ़ते रहो, मिटा दिए जाओगे आने वाले टाइम में। तो धमकी मिल रहा है, तो धमकी ले लो, आ जाओ 22 को, आ जाओ 22 को बुला रहे हैं, आ जाओ तुम 22, आ जाओ 23, आ जाओ 1 साल बाद, आ जाओ 5 साल आके ट्राई कर लो। तो कमेंट में भी तो आ रहा है कि तोड़ दे इनकी ऐसी की तैसी, आ तो जाओ तुम घुस के एक बार ट्राई करो। स्टेटमेंट पास हो रहे हैं मौलानाओं के कि भैया ट्रेन में सफर मत करो, इस बार हिंदू भर भर के जाने वाला है। दंगा भड़काने का काम तो ये मौलाना ही अवैसी जैसे लोग करते हैं। ये मुसलमान मेरे भाइयों, तुमसे हाथ नहीं जोड़ूंगा, तुमसे एक निवेदन है कि तुम इनके बातों में मत आओ, ये तुम्हारे सगे नहीं है भाई, असली दंगा भड़काने का ये काम करते हैं। यहाँ लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, तुम भी मानो। तुम अगर 1-2-3 मंदिर नहीं भूलना चाहते तो ये तो सोच मेरे भाई, तेरे लोगों ने, तू तो कन्वर्टेड है, मतलब जो उस टाइम के लोग थे उन्होंने 40-50 हज़ार मंदिर तोड़ दिया, पता करना सब इसके बारे में, तो सोच उस टाइम कितना तकलीफ लगा होगा हमारे लोगों को। और ये ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला सब हमारा भी है, क्योंकि हमारे ही लोगों का पैसा लगा है। तेरे बाप दादाओं का नहीं है, हमारे बाप दादाओं का है। तेरे बाप दादाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया है, जो धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हो गया, 2 को अपने इस्लामिक राष्ट्र बना दिया और 1 को क्या बना दिया, सेकुलरिज्म का ठेका बना दिया, धर्मशाला बना दिया। उसी टाइम में नेहरू पेरू सही से काम कर देते ना तो आज ये झेलना नहीं पड़ता इस देश में। हिंदू इतने सारे हिंदू है, कोई जागरूक है? हमें तो आवाज ही नहीं। अब जागरूक है, देखो कैसे जागरूक है। एक बार जय श्री राम चलाऊंगा, एक बार आवाज देखना भाइयों, जय श्री राम। पहुंच गया होगा कहाँ? फैजाबाद में पहुंच गया होगा। फैजाबाद में पहुंचा, वहां से फिर वो पूरे भारत में पहुंचेगा ना, इसी तक पहुंचाइए ना, अब इसी तक वो फोन लगा के पहुंचा देंगे। आप लोगों को एक कर रहा है तो हिंदू को आप एक सुनो, अब सुनो दूसरी बात, सर सुनो आपके सवाल जो कड़वे है ना तो जवाब भी इस कड़वे लो। अभी कोई स्पीकर लगा के फोन लाउड स्पीकर पर रखा होगा कि देखो सुना रहे हैं, अब दोबारा देखना, अब इसी तक पहुंचेगा भाइयों, जय श्री राम। आका के पास पहुंच गया, उनके पहुंच गया, मतलब चार है को वैसी को पता चले कि हिंदू भी तैयार है। हिंदू तैयार, देखो एक सीरियस नोट पे एक बात बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक होता है हेट स्पीच देना और एक होता है हेट स्पीच का रिप्लाई देना। अगर मैं कोई स्टेटमेंट पास करता हूँ तो मेरी अगर क्लिपिंग्स चलेंगे तो कोई पुलिस मुझे इसलिए अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसके आंसर का रिप्लाई दे रहा हूँ। हेट स्पीच वो फैला रहे हैं। अगर मैं कल बोल दूँ कि सारे हिंदुस्तान के हिंदू तलवार निकालो और इनको उड़ाना स्टार्ट कर दो तो लोग क्या बोलेगा, इसको अरेस्ट करो, ये दंगा भड़काने का काम कर रहा है। तुम बोल रहे हो कि तुम मारना स्टार्ट कर दो, बाबरी तोड़ लेंगे, ये कर देंगे, तुम्हें मिटा देंगे, तो बेटा तू हेट स्पीच दे रहा है, हम तेरे हेट स्पीच का रिप्लाई दे रहे हैं। तो तू करने में सही है, बोल दे रहा है और हम तुझे आंसर भी ना दे, समझो बात को। अब वीडियो कोई डालेगा तो आधा मत डाल देना भाई, पूरा वीडियो डालना मेरा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एनर्जी बरकरार है। शुक्रिया नहीं, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू।